हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक और ब्लॉग के साथ में। हेलो जी, राम राम जी। आप कैसे सब हैं? कैसे हैं? आप सब ठीक होगे? ये देखो कितनी स्पीड से बोला मेरा बेटा। हेलो बोलो सबको, राम राम जी बोलो। हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो ये भूत यार झूपड़ा। भूत? अरे यार, उसी भूत कौन है? देखते हैं भाई, भूत कौन है? अरे नहीं, बहुत नहीं, तो नंदनी है भाई। अभी 7 बजे हैं सुबह के, और आज थोड़ा सा जल्दी जग गए हैं। नंदनी भी आ गई उठ के। क्योंकि मैं रात जल्दी सो गई थी। हाँ, भूत हो आप? अरे रहने दो, आप भूत नहीं हो, आप तो नकली भूत हो। हैं? अच्छा, कभी लेट हो जाए स्कूल की गाड़ी। ये ना बात अच्छे बच्चे वाली। अच्छा एक काम करो, फटाफट आओ, चलो मेरे साथ बाहर रेडी होते हैं। हैं, फ्रेश हो लो, ब्रश कर लो, चप्पल पहन के जाना सभी जनता पार्टी। नंदनी तुम यही रहो, ओढ़ के मुंह ढक के लेट जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं, बाहर ठंड है बेटा। ठीक है, आओ आओ, चलो लेट जाओ आप। तो यहाँ हमारे रूम में, आजकल हमारा रूम यही है, सो के उठ के एकदम यहीं पे आए जनता पार्टी। और नंदनी तो देखो इसमें घुस रही और कह रही मैं भूत हूँ, और उसी ने बताया मेरे पास भूत है। तो ये सचमुच में एक्टिंग कर रही भूत की, देखो हैं। पापा आप ले आ जाइयो, स्कूल में लेने आऊँ? हैं वैसे ना। और तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 8 बजने वाले हैं और मैं अपने स्कूल के लिए रेडी हो चुकी हूँ। यहाँ मम्मी आरुषि को नाश्ता करवा रही है, आरुषि भी रेडी है स्वेटर वगैरह कैप कूप लगा के। इनकी और मेरी गाड़ी आने में सिर्फ 5 मिनट का फर्क है अभी। या तो 5 मिनट पहले मेरी आ जाती है या फिर इनकी। तो यहाँ मम्मी से नाश्ता करवा रही है और मेरी चाची जी ने मेरे लिए लंच बना दिया। आज पनीर की सब्जी बनाई है और इधर माँ हमारी पराठे बना रही है गर्मा गर्म चूल्हे पे। यहाँ हमारे बाबू जी बैठे है। कुर्सी भी देखो, 5-6 कुर्सियों में बैठे। पहले तो आरुष भी रट गया था, फिर आरुषि भी रट गई, और इसका हाथ लगाओ ना तो गुस्सा इसका दिख जा साफ। अब देखते हैं इसे गुस्सा आ रहा है कि नहीं, मैं चेक करता हूँ। आ रहा अभी भी है, अभी है, आ रहा अभी है, अभी गया। ये ट्रिक बताई थी हमें नंदनी ने कि अगर आरुषि का गुस्सा चेक करना हो तो हाथ लगा कर देखो, अगर इसका कोई रिएक्शन नहीं है तो ये शांत है, गुस्सा नहीं है, वरना हाथ फेंक के मारेगी। हाँ, अभी चलते हैं स्कूल क्योंकि टाइम होने वाला है। बता दे। छोटे बेबी के पास, छोटे बेबी के पास, वहाँ देखो, वहाँ छोटे बेबी के पास गए थे हम। हैं? उसे खिलाने के लिए है ना। आ जाओ मैं दिखाऊंगी, छोटा बेबी चलो आ जाओ, मैं दिखाऊंगी, आ जाओ। ये रहा छोटा बेबी, आ जाओ चलो नाश्ता कर लो। और यहाँ पे मेरी पनीर की सब्जी, ये पनीर की सब्जी थी लेकिन अभी टमाटर की हो चुकी क्योंकि इसमें से मैंने पनीर वनीर निकाल के टिफिन में पैक कर लिया। ये देखो बहुत अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी, मैंने खाई भी है। इधर चाय रखी है, माँ बाहर पराठे बना रही है। इसका क्या नाम है? इसका काट रही, कहाँ काटेगी? ये देखियो कितनी अच्छी है, कुछ कह रहे थोड़ा ही। और ये गोलू है, गोलू क्या नाम है इसका? नहीं कहाँ काटते हैं ये, देखो देखियो। कोली भर के यार गोरी हाथ लगा के देख, कुछ नहीं कहती है। अरे मेरा लड्डू, अरे मेरा देख, देखो ओहो ओहो ओहो, ये तो काट है। कितना बताया आपको ये कट है, कहाँ कट है? हाँ भाई गोलू है, खुजली लग रही तेरे, खुजली लग रही क्या? ट्यूब लगाना? हाँ। जैसे आपका लगा मैं? हाँ। दाने दाने की ट्यूब लगा है, देखो
डंडे का क्या करोगे? नहीं भगाना नहीं है, ऐसे रोटी देनी, इसे भूख लग रही। रोटी मैं ही ला के दूं? आओ लेके आओगे दोनों? चलो दोनों लेके आओगे इसके लिए रोटी। बुला ले उसे, नुको आ जाओ रोटी लेके जाना। हाँ नुको बन गई है रोटी। रोटी चलो देखिए, गुस्सा आ गया से अभी भी है। देखियो हाथ लगा के देखियो। अब चलो। हाँ पीछे तो हट जाओ भाई, अब चलो। कौन चला रहा है? ये नंदनी चला रही। तो वो बैठा वहां पे बाज, ये देखो उसे देख रहे थे, और ये दूध निकल गया हमारे चूल्हे पे। अरे वो देखो उसे दूध पिया रही। तेरे इसके नाम का दूध तो वाली गड़ी है सारा चुल्ले। देखो कैसे प्यारी है, पी ले पी पी। इसका जो है भूखा, और इसने ये देखो निप्पल वाली बोतल उठा ली, ये लाई अभी निकाल के। हैं सही पी रहा? हाँ। हैं पूरा इसका पेट भर दिया, फिर ये सोएगा। हैं ठीक है, आ रहा नहीं? ना नहीं रहा। खाना खा लिया इसने, और इसका शायद प्रेशर बढ़ रहा। चल कर ले जल्दी जल्दी, समय कम है, घूमना फिरना कम लगा। जरा आजा आजा इधर को, तो यहीं ले आया मैं अपने घेर के बगल में से। ये है दिक्कत इनकी, एक घंटा तक तो सूंघती हुई फिरेगी इधर उधर, जरा साफ सुथरा देखेगी तब जाके आ गएगी। मेरे पापा टूटे जा रहे हैं। टूटे जा रहे हैं? कौन से वाले? तो इसने बताया हरविंद पापा इसके ड्यूटी जा रहे हैं, वो अभी नहीं आए हैं, आ जाएंगे जल्दी, छुट्टी मिलेगी तब। तो ये फ्रेश हो लिया बिल्कुल, नहा कर रेडी, इसने चोटी बना ली है, पोनी जिसे बोलते हैं हमारी भाषा में, एक पोनी बनाई है आज, नहीं तो दो पोनी बनवाती है ये, कल तो तीन बता रही थी। मम्मी तो तीन ना वेर पल्ले मम्मी, मम्मी दो बनावे, दो बनावे यार उसकी मम्मी। नहीं बहुत सारी छुट्टियाँ, बहुत सारी छुट्टियाँ। हाँ। कितनी? बहुत सारी, इतनी सारी? इतनी सारी समझ लीजिए बहुत वाइड रेंज में चुटिया, अलग अलग तरह की। इसके बाल ही इतने घने हैं, बहुत ज़्यादा और लंबे घने बाल, और इन लंबे घने बालों का राज है कि इसके जन्म से ही ऐसे हैं। बुरा मत मानिएगा, ये तो एक मजाक कर रहा हूँ मैं, लेकिन अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो गए हैं। हाँ बताओ कहाँ जाना है अभी? वहाँ कहाँ? फोन देखने। बताओ इधर, बताओ सबको कि मैं फोन देखने जा रही हूँ। मैं फोन देखने जा रही हूँ, पापा सुनील पापा, सुनील पापा का फोन देखने जा रही हूँ, और ये मेरी हैबिट है, और ये हैबिट अभी सुधर नहीं रही है, बहुत कोशिश कर ली, एक दो लग भी जाता है मम्मियों के हाथ का, लेकिन अभी सुधर नहीं रही। और यहाँ पे पिताजी क्या कर रहे हैं? पिताजी ये देखियो क्या कह रही नंदिनी, इसे ले जाओ बाहर और घुमा के ले आओ, नु कह रही है। आरुष आरुषी तो अभी आने वाले हैं नहीं, अभी तो उनका टाइम रह रहा। देखो साढ़े दस बज रहे। हाँ। देख लो जी, साढ़े ग्यारह बज रहे। नु कह रही साढ़े दस बज रहे। और पिताजी जेब में क्या ले रहे? टोपी। किसकी है वो? मेरी। मैं लूंगा उन्हें टोपी। एक मेरी है, एक मेरी है, एक मेरी है। हाँ तो ईमानदारी से करो ना काम। फिर पिंक कलर की है मेरी भी, ग्रीन और पिंक कलर की है, है? पिंक नहीं है, ऑरेंज है, ऑरेंज कलर की है। और मेरे पास भी ऑरेंज कलर की है, है ना? मेरे पास भी ऑरेंज कलर की है। अच्छा है, तो उनके लिए भी छोड़ दें, आरुष और आरुषी के लिए? नहीं मेरे
पिताजी के पास है तोड़ने। एक और है नहीं पिताजी के पास? नहीं जो तोड़ने है। पिताजी के पास बहुत हैं, जेब में है, सबके लिए हैं, आरुष आरुषी और चिंकी के लिए, गुड्डू के लिए भी हैं। हाँ सब स्कूल में जा रहे उस चीज का फायदा उठा रही तू। और तो ती ती ती। स्कूल में जा रही और तो रहे। भले ही जा रहे हो, चाहिए तो उन्हें भी भले ही जा रहे हो। चिंकी यहीं पे है? हाँ चिंकी तो यहीं पे है। चिंकी आज फिर नहीं गई है स्कूल, क्योंकि आज उनका हाफ डे है, कुछ एक्टिविटी थी तो आज जानबूझ के नहीं भेजी कि चलो एक दिन का आराम और सही फीवर से ठीक होने के बाद। क्या करके हैप्पी बर्थडे चलता है स्कूल में? हाँ। कौन करता है स्कूल में हैप्पी बर्थडे? आरुषि। हाँ। आपको पता नहीं है शायद, स्कूल में होता है कहीं हैप्पी बर्थडे? हाँ ऑरेंज कलर की है, ग्रीन कलर की भी है। इसे मैं कह रहा था मगर एक दो दिन का परहेज और कर ले, रसोई में फिर खड़े हो जा कर, ये तो सदा का ही काम है उम्र भर का। कल डॉक्टर के पास लेके गया था ना, थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ गया, पसीने आ गए थे, तो मैं ये कह रहा रुक जा परहेज कर ले, खा पी ले कुछ। ये है तारी का सामान और ये बन गया है पनीर, जौन सा भी है शाही पनीर, बटर पनीर, बटर तो है नहीं खैर, जैसा भी है मतलब है पनीर की डिश। मटर पनीर नहीं है पर, ना मटर पनीर है ना बटर पनीर है, चलो कोई बात नहीं पनीर है तो थोड़ी सी ये बनेगी। और ये तारी इसके लिए कम मिर्च मसाला वाली सब्जी वब्जी डाल के, इसमें सब्जी ज्यादा होगी चावल कम होंगे। और ये देखो सड़ गया, पांचवा दिन है इसे, आज मुझे स्टोव लगाना पड़ेगा इसमें, तब जाके इसकी राड कटेगी, इसे मुझे ही संगवाना आज। आज इसे 50-50 कर लेते हैं है? हाँ। जब भी होगा इसका काम तो वहाँ इसे देख देख कर डर, जो मरीज की देखभाल कर रहा है उसके लिए भी तो एनर्जी बहुत जरूरी है। बस तो ठीक है आज इसे हाफ हाफ कर लेंगे पार्टनरशिप में। तो फिलहाल चलो जी इस रसोई के साथ ही किचन में ही इस वीडियो का यहीं पे कर देते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय सबको राम राम। और आज पनीर बनाकर खिलाने वाले हम अपने हाथों से, और कल और भी अच्छे से फील होगा तो कुछ और भी काम करेंगे उससे अलग, लेकिन अभी ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो जाता, मैं चले जाता।